पाकिस्तान। ये इनके मुंह तो देखो सबके। अभी डेढ़ घंटा चलना पैदल। हिम्मत मर्दा मदद खुदा। आ जाओ फुल तेज ना धड़कने। मोस्ट ऑफ द पीपल लाइक दिस फाइंडिंग इट वेरी चैलेंजिंग। जी तो ये ट्रैक है जो जा रहा है रामा लेक की तरफ। हाइट काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे और ऑक्सीजन कम है, तो जो हिम्मत वाले हैं वही सिर्फ आ सकते हैं। तो ये भाई हमें चेरी खिलाने वाले हैं। चेरी नहीं है क्या है फिर? हाइकिंग स्टिक। ये हमारे सामने नांगा पर्वत, इसकी बैक साइड है। हमारे लिए ट्रैक 2 घंटे का है और जो यहाँ के रिहायशी हैं उनके लिए 1.5 घंटे का ट्रैक है। अगर यूं आप पांव बर्फ में घुसाएंगे जी तो आपके पांव की ग्रिप अच्छी रहेगी बिल्कुल, और स्लिप होने के चांसेस कम से कम रहेंगे। और सेकंडली कोशिश करें कि जहाँ पे खड्डे हैं थोड़े से वहाँ पे पांव रखें, आपकी ग्रिप और सेफ्टी ज्यादा रहेगी। सही बात, ये बहुत जरूरी है इसके लिए। लोग ट्रैक पे आते हैं लेकिन ट्रैक पे आने की तैयारी नहीं करते कभी। सही बात है। ये हमारे मोटे भाई जो चल नहीं सकते, वो घोड़े पे जा रहे। हुज़ैफ़ा भाई बहुत मजा आ रहा है, जबरदस्त। ये थोड़ा खतरनाक है, थोड़ा सा इधर थोड़ा सा इधर थोड़ा सा इधर। ओए गिर गया मैं। गुड मॉर्निंग गाइस, मैं सुबह सुबह आज उठा, उठ के शॉर्ट्स लेने के लिए उठा हूँ। सुबह सुबह का जो इधर का नज़ारा है ना, बहुत ही प्यारा है। चूँकि हम काफ़ी ऊंचाई पे आ गए हुए हैं तो ऑक्सीजन का जो लेवल है वो कम हो चुका है, हवा का तो बहुत ज़्यादा हो चुका हुआ है। और ये आप देख सकते हैं छोटी सी नदी टाइप है, ये देखें छोटी सी नदी टाइप जा रही है। ये ऊपर से वो आगे ग्लेशियर है, ग्लेशियर का जो साफ पानी वो आ रहा है यहाँ पे। तो मैंने आपको ये दिखाना था दोस्तों, सुबह सुबह के इधर का नज़ारा बहुत प्यारा है। रात को भी काफ़ी अच्छा लग रहा था लेकिन सुबह सुबह का तो कमाल ही है। पाकिस्तान। यार तुम गलत चल रहे हो, इधर आओ, वो उधर ज्यादा बहुत ज्यादा पत्थर है, इधर आओ। ये इनके मुंह तो देखो सबके। अभी 1.5 घंटा चलना पैदल, अभी हाई निकल गए। 3 करो या 5 करो ऊपर तो जाना पड़ेगा। हाँ हिम्मत मर्दा मदद खुदा। आ जाओ। अच्छा यार, अच्छा है। आई डोंट नो वीडियो कैसे बन रही है, इस टाइम अपना चल रहे बहुत बड़ी बात है। वो यहाँ पे जरा सीधा हुआ थोड़ा सा, वो हमें क्यों नहीं लेके जा रहा? क्या गाइस ने समझ आई है? कंधा आइयो मैं जा रहे हैं। फुल तेज ना धड़कने। We're gonna full phase it's testing our patience and testing our health level. Most of the people like these are finding it very challenging. But it's good. This is the best activity I think so far. And that's what I said earlier. Ab hamara track abhi shuru hua hai. To maza aa raha hai. Ji to ye track hai jo ja raha hai Rama Lake ki taraf. Aur sare जा रहे हैं, हम सब जा रहे हैं रामा लेक। रामा लेक हाइट काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे और ऑक्सीजन कम है, तो जो हिम्मत वाले हैं वही सिर्फ आ सकते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं पहुँचने की। तो ये भाई हमें चेरी खिलाने वाले हैं। चेरी नहीं है क्या है फिर? हाइकिंग स्टिक निकालने की कोशिश कर रहे हैं। नाकाम कोशिशें जारी हैं। मज़े की बात यह है अब हमें ग्लेशियर भी क्रॉस करना है। वो देखो सामने, ये हमारे सामने नांगा पर्वत, इसकी बैक साइड है। यहाँ पे बर्फ़ कम है, दूसरी फ्रंट साइड से नज़र आता है वहाँ पे बर्फ़ ज़्यादा है। थोड़ा सा ट्रैक सीधा होगा, ये थोड़ा सा ही सीधा होता है, ज़्यादा इसकी चढ़ाई ही है। हमारे लिए ट्रैक
2 घंटे का है, और जो यहाँ के रिहायशी हैं उनके लिए 1.25 घंटे का ट्रैक है। तो अगर वो आपको 1.25 घंटा या 1/2 घंटा बताएं तो वो उनका टाइम होगा, हमारा जो टाइम है वो हमें 1.5 से 2 घंटे लगेंगे। साल में 1-2 दफ़ा अगर आप इस तरह की हाइकिंग करेंगे तो फिर आपको सांस फूलेगा, यही सब होने वाला है। और अभी ये बहुत बड़ा ग्लेशियर है, इसको हमने क्रॉस करना है। ये देखें ये ग्लेशियर, अभी हम क्रॉस करेंगे ये ग्लेशियर। आप क्रॉस करने से पहले कुछ कहना चाहेंगे? छोटा सा ट्रिक होता है, अगर आप मेरे पाँव दिखा सकें, अगर यूं आप पाँव बर्फ में घुसाएंगे जी तो आपके पाँव की ग्रिप अच्छी रहेगी, बिल्कुल, और स्लिप होने के चांसेस कम से कम रहेंगे। और सेकेंडली कोशिश करें कि जहाँ पे खड्डे हैं थोड़े से वहाँ पे पाँव रखें, आपकी ग्रिप और सेफ्टी ज्यादा रहेगी। सही बात, ये बहुत जरूरी है इसके लिए। शूज का भी अच्छा होना बेहतर है, शूज बहुत हाइकिंग वाले शूज होंगे आपके तो आप कंफर्म फिसल जाएंगे। हाँ जी, आपके पाँव की ग्रिप ही नहीं होगी। और यहाँ से जो गया वो रुकेगा नहीं, तो अब ये फिर बहुत ज्यादा हाइट आ गई है। अच्छा, हाइट के ऊपर एक और भी छोटी सी ट्रिक कर सकते हैं, नीचे आगे की तरफ बैठ, हाँ रिवर्स करके चलेंगे ना आप तो आपको ज्यादा थकावट नहीं होगी। तो एक गाइड आपके पास होना चाहिए जी, बहुत जरूरी है, जो आपको गाइड करे। पानी का साउंड एक वो साउंड है जिससे आपके मेंटल पीस में बहुत तेजी से इजाफा होता है। तो अगर आप पानी का साउंड सुने और उसके ऊपर फोकस करें, आपका स्ट्रेस लेवल बहुत तेजी से कम हो जाएगा, बहुत रिलैक्स करता है पानी का साउंड। सैफुल मखलूक से वापस आ रहे थे तो लैंडस्लाइडिंग होगी, जो ट्रैक बना हुआ था वो खत्म हो, और टाइम था शाम का आखिरी 1-2 घंटा रह गया था मगरिब होने, और ऊपर से मौसम पे? हाँ मौसम मौसम बादल इतने गहरे और बारिश, यानी सब कुछ चैलेंजिंग जितना हो सकता था। अब हम ना आगे जा सकते थे ना पीछे जा सकते थे, क्योंकि हम 1.5 घंटा पैदल तुड़ के आ चुके थे। अच्छा, और अगर वापस जाते तो फिर मगरिब बस पे वापस जाते हो जाने थे। फिर हमने वो तो अल्लाह की तरफ से 2 लोकल आ रहे थे वहाँ से, उन्होंने क्रॉस किया पहले, फिर हमें हाथ पकड़ के क्रॉस किया। एक मेरा कज़न स्लिप हो गया, गिरने लगा था, बस हाथ पकड़ लिया उसका एंड टाइम पे, नहीं तो इन्ना लीला हो जाना था उसका। दिस इज वन ऑफ द चैलेंजेस, लोग ट्रैक पे आते हैं लेकिन ट्रैक पे आने की तैयारी नहीं करते कभी। सही बात है, तो फिर ऐसा होता है जब आप ट्रैक पे आने की तैयारी नहीं करते, फिर एक्स्ट्रा स्टेज टेक्स एक्स्ट्रा टाइम। अभी एक बहुत बड़ा ग्लेशियर आ गया, अगर आप दिखा दें ये वाला, इसको भी दिस, ये हमारे मोटे भाई जो चल नहीं सकते वो घोड़े पे जा रहे, गधा घोड़े पे बैठा है। हाँ हमने हाफ कर लिया, अमूमन ये होता है ग्लेशियर के नीचे उतर के हम उसके नीचे खड़े होकर पिक्चर बनाएंगे। ये इन भाई के दोस्त हुज़ैफ़ा भाई, ग्लेशियर के नीचे चलो पिक्चर बनाते हैं, बहुत मज़ा आ रहा है, ज़बरदस्त। अड्डे वगैरह इस पे नहीं बने हुए, बहुत संभल के चलना पड़ेगा आपको, अपनी एड़ियाँ जमानी पड़ेंगी, एक कदम रख के उसको पहले पक्का करना है, फिर दूसरा स्टेप आपने उठाना है। ये थोड़ा खतरनाक है, बहुत खतरनाक, इस पर अड्डे नहीं बने हुए। ये इन भाई के दोस्त हुज़ैफ़ा भाई, ये भी व्लॉगिंग करते हैं ना? व्लॉगिंग करता हूँ लेकिन इस टाइम बस हो गई है, दिल कर रहा बस गई में बैठ जाओ। पैशन इज पैशन हुज़ैफ़ा भाई, बस नहीं होनी चाहिए पैशन में। बिल्कुल, अभी स्टार्ट करता हूँ मैं अपनी वीडियो, सही है, और उसमें फिर दिखाऊंगा कि क्या हाल हो रहा है हमारा। मैं दिखा रही हूँ ना आपका हाल, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, यहाँ आके आपकी थकन सारी दूर हो जाएगी। खतरनाक भी है, देख यार अगर तो ये चला गया हमें लेके, अगर टूट गया नहीं, ये देखो दरार नीचे देख के दरार आई हुई है, और ये ग्लेशियर के पानी से जी दरिया बना हुआ। इस ग्लेशियर के बाद आगे एक और ग्लेशियर है, तो इन्होंने जो है वो वीडियो बनाई है, आपका नाम इफ्रा नाम है इनका, और इन्होंने कैसी वीडियो बनाई है वो आप कमेंट कर सकते हैं हमें। कुछ हमारे भाई बहुत आगे जा चुके हैं और हम वीडियो के चक्कर में बहुत पीछे रह चुके हैं, तो अब हमें जल्दी जल्दी चलना चाहिए ताकि हम जल्दी जल्दी पहुंच जाएं। जी 9 बजने लगे और हम 7:30 आई थिंक 7:15 या 7:30 हम जो है वो चल पड़े थे। 1.5 घंटे में हमने 1/2 ट्रैक कर लिया, तो जो बाकी आधा है
उस पर 1.5 घंटा और लगेगा। तो हमारे लिए ये ट्रैक 3 घंटे का हो गया, लेकिन जो यहाँ के लोकल्स हैं वो 1.5 घंटे का हमें बता रहे थे। तो आप उसको 3 से मल्टीप्लाई कर लिया करें, हमारे लिए वो 3 से मल्टीप्लाई करना ही बेहतर है। ये ट्रैक भी एक यादगार रहेगा, ज़िंदगी रही तो यहाँ दोबारा ज़रूर आएंगे और यहाँ पर अपनी कैंपिंग करेंगे। अभी तो हमने यहाँ लोकल्स की कैंपिंग में नाइट स्टे किया था।